महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 13 ग्रामीण श्रमिकों की अंततः घर वापसी हो गई। इन श्रमिकों में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे। श्रमिकों को महाराष्ट्र के सतारा में एक शक्कर कारखाने में बंधक बनाया गया था। ये बंधक श्रमिकों के परिजन ने रायगढ़ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और श्रम विभाग में आवेदन देकर इनकी मुक्ति की मांग की थी। इस आवेदन में ये कहा गया था कि रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र के गांव सांकरा के रहने वाले ये श्रमिक बहकावे में आकर महाराष्ट्र चले गए थे, रोजी रोटी कमाने महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे और इन श्रमिकों को एक ठेकेदार द्वारा बंधक बना लिया गया। ठेकेदार ने जितनी मजदूरी देने का वायदा किया था उससे कम मजदूरी देता था और उन्हें प्रताड़ित करता था। ठेकेदार लेके गया था, 500 रुपया बोल के ले गया था और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो वो लोग को बंधक बना के रखा गया था, तो हम लोग ये जो शिकायत किए थे, काम करने एक ठेकेदार ले गया था उड़ीसा का, वो मक्खन बोलते हैं उसको, और हमको वहाँ 500 रुपया देने के लिए बोला था, एक आदमी का 500 रुपया बोला था, उधर 500 रुपया नहीं दिए और काम कराते रहे। 10 दिन काम कराया उधर, 10 दिन के बाद वो लोग 2000 छोड़े। वो ठेकेदार लेके गया था, 500 रुपया बोल के ले गया था और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो वो लोग को बंधक बना के रखा गया था, तो हम लोग ये जो शिकायत किए थे, काम करने एक ठेकेदार ले गया था उड़ीसा का, वो मक्खन बोलते हैं उसको, और हमको वहाँ 500 रुपया देने के लिए